प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब, बहुत टाइम के बाद साजिद ताड़ साहब आए हैं और बहुत लोग समझ रहे थे शायद सर मेरा आपका झगड़ा हो गया। लोगों ने मुझे ये भी लिखा, मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी भेजे कुछ के लोग बड़े आजू, मैं तो आप तो देखे आपको, आप और आपके देखने वाले सारे तो मेरे फैमिली है, हाउ इट इज पॉसिबल। हाँ मैं ट्रेवल जरूर कर रहा था और मैं खुद मिस कर रहा था इस चीज को कि मैं किसी तरीके से जुड़ूं। और मुझे ट्वीट दोस्त कई कर रहे थे कि आप आरजू काजमी साहबा के साथ आ नहीं, बल्कि मैं देखिए दो ही लोगों के साथ मेरे ज्यादा अटैचमेंट है, चीमा साहब है और आप है। उनके साथ एक दफा मैंने आपके साथ भी और उनके साथ भी करने की कोशिश की, एक दफा अबू धाबी बैठा मैं और मैं अभी शुरू ही किया तो कमर चीमा साहब के साथ वो इंटरनेट का मसला बन गया। फिर मैंने इसीलिए आपको बादर नहीं किया क्योंकि मैं वहां पे था तो मेरा आई वॉज आउटसाइड ऑफ अबू धाबी, तो वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम था। लेकिन देखिए मेरे लिए आरजू आप और आपके देखने वाले एक ऑक्सीजन की तरह है, मैं आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम देम। मुझे इतना प्यार मोहब्बत है आप सोच नहीं सकती। मैं बल्कि बताऊंगा आगे चल के आपको कि मैं अभी न्यूयॉर्क से आया हूँ जहां पे एक मैच था इंडिया पाकिस्तान का, मैं बताऊंगा उस पर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो सर सबसे पहले हम मोदी जी से ही शुरू करते हैं, ओथ उन्होंने ले लिया है और कैबिनेट भी बन गई, तकरीबन वही टीम है जो पहले भी थी, क्या उम्मीद लग रही है आपको? ऐसे शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दे दी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी मुबारकबाद चली गई फाइनली। देखिए इन्होंने लेट की कहते हैं मुबारकबाद, इन्हें पहले देनी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शायद जाते वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी पे, क्योंकि मालदीव से लाए और पड़ोसी ममालिक के लोग आए, बांग्लादेश से आए, तो पाकिस्तान को भी जाना चाहिए था वहां पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी, और बिलखसूस इस वजह से क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो रजीम इन पावर है, हुकूमत में है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो मोदी जी साहब की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे। हालांकि कई और मसाइल आ चुके हैं, अगले दिन जो कश्मीर में हुआ है उसके कई क्वेश्चन जो है इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट। मैं क्योंकि मैं स्टेट के साथ पाकिस्तान को भी मुसलसल स्टडी करता हूँ, वॉच करता हूँ सिचुएशन को। देखें एलिमेंट है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का जो है वो विक्टिम है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। आप टीटीपी देख लें, दूसरे और बलूचिस्तान में आप देख लें, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर एलिमेंट होगा जो कश्मीर में हुआ है। बल्कि माय हार्ट गोज फॉर द विक्टिम्स। मैं बल्कि कल परसों से दोस्तों से कह रहा था आए मिलकर दुआ करें, जो 10 लोग मारे गए हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, 10 माओ के लड़के मारे गए हैं, उनके लिए दुआ करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यकीन दिलाए भारत को कि इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मोदी साहब को मुबारकबाद एक तो देना चाहूंगा, तब से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका आपके साथ। एक दो दफा मुझे मौका मिला भारत के कुछ चैनल्स पे बात करने का। मोदी साहब ना सिर्फ भारत के लिए जरूरी थे, इस रीजन के लिए जरूरी थे, इस रीजन की स्टेबिलिटी और इस रीजन के अंदर जो भारत का मुकाम मोदी साहब के दौर में है, बना है, उसके लिए जरूरी था कि ये एक जो ये एक प्रोसेस है वो जारी रहता। यहाँ पे अगर बीजेपी इलेक्शन हारने से मुराद मैं ये नहीं कहता कि अगर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल ना होती और 10 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती तो भारत आगे जाने के बजाय 20 साल पीछे चला जाना था। और उसमें जो एक प्रोसेस प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आई थी, स्टेबिलिटी आई थी, वो दाव पे लग जानी थी। मैं इस पे समझता हूँ कि मोदी साहब वाज की इम्पोर्टेंट पर्सन टू प्ले अ रोल। जिस तरह कहते हैं मोदी जी 3.0 आ चुका है, ना सिर्फ उन्होंने ओथ ले लिया है, उनकी कैबिनेट ने ओथ ले लिया है। मैं बड़े तफसील से लोगों के नाम देख रहा था, उसमें बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं उसमें, उसमें पंजाब से मेरे खासकर मेरी फीलिंग्स, पंजाब में मेरे बहुत भाईचारा है इंडियन पंजाब में, तो मेरे वहाँ दोस्त कई थे वहाँ पे,
और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे थे, उनको भी मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था। इंदौर जो मेरा शहर है खासकर, वहां से एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ है, 2 लाख से लोगों ने जो कांग्रेस के कहने पे नाडा, जो के कहते हैं किसी का साइन नहीं करते, वो अपने नाम लिख के या पता नहीं किस तरह करके उन्होंने कर दिया, वो बहुत बड़ी खबर थी। और बड़े बड़े नाम चेंज हुए, बड़ा जो कई इंक्लूसिव, जो कई नए आए और जो कई इलेक्शन हार गए। लेकिन एक चीज मैं जरूर मुबारकबाद दूंगा, पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत है, उसकी मिसाल इसमें कोई शक नहीं। जो अपोजिशन और जो कुछ लिबरल मीडिया की जो आवाजें उड़ाते थे कि मोदी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स और ये और वो, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका से ज्यादा भारत की जमहूरियत सॉन्ग नजर आ रही है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि जो एक प्रोसेस है, चाहे हम 76 से हम अलग हुए हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में हमारे भाई जो हैं वो एक जमहूरियत को दे आर एंजॉयिंग इट, एंड मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। और अगर जमहूरियत है वहां पे तो उनका फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं, उनके मसाइल जो हैं वो अपनी असली जगह पे पहुंच रहे हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनकी मर्जी के मुताबिक आगे बिहेव करेगी, चाहे जिस तरह भी हो। यूपी के अंदर चेंजेस आई हैं और कई चेंजेस आई हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करना चाहिए पूरे रीजन को कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। एक तो मेरी ये फीलिंग्स थी, मैं चाह रहा था इस पर बात करूं। दूसरा, कई लोग बात करते हैं जो मीडिया, देखें जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं अब गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे, मैं आ रही इस पर मानता, दो उनके पास कैबिनेट की सीटें दी गई हैं, एक सीट दी गई है, ज्यादातर कैबिनेट मेंबर जो है वो बीजेपी के ही होंगे। इंडिया स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल राइज मोर स्ट्रॉन्गर, मोदी साहब आए हैं, वो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तैयारी पहले ही कर रहे थे, बल्कि वो 2027 तक सोच रहे हैं। He's nationalist and I'm glad that he's in power again. मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और हर किसी जो हमारे भारतीय दोस्त ने वोट डाला है, अब मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी वजह से जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है उस रीजन के अंदर। काश मैं जहाँ जहाँ आप बैठी हैं, जहाँ जो मेरा मादरे मुल्क, मेरी मादरे मिलत है, वहां पे भी इसी तरह की जमहूरियत हो। मैं बल्कि ना सिर्फ मोदी साहब को, मैं राहुल गांधी को भी देखें, 3,000 किलोमीटर वो पैदल चले हैं, जो उन्होंने जो वॉक की थी। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर है मौजूद जो 3,000 किलोमीटर पैदल चल के देहातों में जाके उनके मसाइल को सुनने की ताकत रखता हो? हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं, हमारे जितने इसके फॉरेन रूलर हैं, वो लंदन से आते हैं, सोच भी नहीं सकते एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल सके। भारत जोड़ो यात्रा आप सोचे तो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद तालस साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की मोदी जी की ओथ सेरेमनी, यानी कि जो उन्होंने शपथ ली उसके बारे में। और हम जानते हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार बन चुके हैं, और जैसे कि इस बार के रिजल्ट्स आए हैं और जैसे कि साजिद तारड़ साहब ने कहा कि इस बार डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जो लोग ईवीएम के नारे लगाते थे उनके मुंह पे भी ताले लगे, क्योंकि इस बार दुनिया ने देखा कि भारत में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल साफ नीयत यानी कि फेयर इलेक्शंस होते हैं। और मेरा ये खुद मानना है कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोकतंत्र है। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, जो रियासी में पाकिस्तान की तरफ से कायराना हमला हुआ है, उसमें जितने भी हमारे श्रद्धालु, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन की जान गई है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।